नेता साहब, जो 2024 के लिए ग्रोथ का आंकड़ा 6.4% रखा है, महंगाई का आंकड़ा 5.3% रखा है गवर्नर साहब ने, क्या लगता है सर, ये अचीवेबल है, कम ज्यादा कैसे रखा है? जी, ये ऐसा लग रहा है कि गवर्नर साहब ने हर चीज में कुशन रखा है। लाइक गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शंस हैं उससे उन्होंने मॉडरेट किया है, अपने इन्फ्लेशन को भी उससे मॉडरेट किया है इन्होंने, अपने इन्फ्लेशन को थोड़ा बढ़ाया है और जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा कम किया है। तो बेसिकली आरबीआई का जो इंटेंशन है कि दे शुड बी एबल टू डिलीवर देन व्हाट दे अनाउंस, तो उससे ज्यादा बेटर पोजीशन हम लेके आ सकें, सो दैट शुड बी द इंटेंट। और जहां तक ओवरऑल सिनेरियो की बात है, आई थिंक आई एग्री कि ये सब अजम्पशन पे बेस्ड है कि व्हाट विल बी द पेट्रोलियम कॉस्ट, वो प्राइस अगर हायर साइड में अपने प्रोजेक्ट करी है तो देर इज सम क्वेश्चन अवेलेबल जो आपको इन्फ्लेशन में पॉजिटिव बेनिफिट देगा। सो जहां तक जो प्रेजेंट सिनेरियो है एंड द वे हमारे यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमी के सेगमेंट्स हैं, दे आर बाउंसिंग बैक, आई एम होप कि ये जो जीडीपी है दैट इज डेफिनेटली अचीवेबल, रादर द कंट्री कैन डू बेटर देन द प्रोजेक्शंस, 6.4 की रियल जीडीपी से बेटर भी आ सकता है, और इन्फ्लेशन का डिपेंड करेगा इंटरनेशनल फैक्टर्स पे, बट अगर जो प्रेजम्पशंस ली गई हैं उससे मॉडरेट होती है तो दिस विल डेफिनेटली कम डाउन, और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्शंस अचीवेबल हैं।